ग्वालियर की भितरबार विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने मतगणना के पांचवें राउंड के बाद तकरीबन 10,000 मतों से लीड हासिल की है और इसी के साथ ही उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार के विधायक लाखन सिंह यादव के जुमले पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना के नाश्ते के दौरान ही अपनी जीत स्पष्ट होने का दावा किया था, लेकिन अब पांसा पलट गया है। मोहन सिंह राठौर ने कहा कि भितरबार की जनता ने भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका है और अब वहां की जनता भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जनप्रतिनिधि चाहती है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग से सीएम का चेहरा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जिसको जो उत्तरदायित्व देती है वह उसे पूर्ण करता है। भितरबार विधानसभा का चुनाव, अरे धर्मेंद्र तो बिगाड़ रहे इस बार जनता ने लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लड़ा है और उसी की विजय। अभी हाल की स्थिति क्या है वहाँ पर? हाल की स्थिति तो 5 राउंड कंप्लीट हुए हैं और 5 राउंड में 10,300 के आसपास की लीड के पीछे क्या वजह? देखिए, जीत के पीछे एक ही वजह है, वो है भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो नीतियां हैं वो हमने जन जन तक ईमानदारी से 3 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने आके काम शुरू किया है, हमने उन सारी नीतियों रीतियों को ईमानदारी से जनता तक पहुंचाया, जनता को लाभ दिलाया और कांग्रेस के विधायक के भ्रष्टाचार को उजागर किया है।